नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता और चर्चित विधायक सरयू राय के बीच छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इधर सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंत्री बन्ना गुप्ता के आरोपों की जाँच कराने की मांग की है। सरयू राय ने कहा है की जाँच होने से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कहा है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री मेरे विरुद्ध उन्ही आरोपों को दोहरा रहे हैं जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी पिछले 4 वर्षों से मेरे ऊपर लगा रहे हैं। पहला आरोप है कि मैंने एक पणन पदाधिकारी को बहाल कर दिया। इसमें तथ्य ये है कि जब मैं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का मंत्री था, तब विभाग में पणन पदाधिकारियों की काफी कमी हो गई थी, तो विभाग ने निर्णय किया कि विभाग से जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनसे आवेदन मांगा जाए और जिन पर कोई आरोप नहीं है उन्हें सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संविदा पर रख लिया जाए। इसी क्रम में एक सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी सुनील शंकर मेरे पास अपना आवेदन लेकर आए। मैंने उस आवेदन को संचिका में लगाकर विभागीय सचिव को भेजा कि यदि इन पर कोई आरोप नहीं है और ये योग्य हैं तो इन्हें संविदा पर पुनः नियुक्त कर लिया जाए। विभागीय सचिव ने जांच उपरांत इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही कई अन्य सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारियों का आवेदन आया तो विभाग ने उनकी छानबीन की और एक समिति बनाकर उनमें से जिन पर कोई आरोप नहीं थे उन्हें नियुक्त किया। मंत्री का दूसरा आरोप है कि जब मैं मंत्री था तो विभाग की नीतियां एवं कार्यक्रमों तथा केंद्र सरकार के निर्देशों से जिला पदाधिकारियों, राशन डीलरों और उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए एक पत्रिका निकालने का निर्णय हुआ। इसकी 10 प्रतियां प्रत्येक राशन दुकान पर रखने का निर्णय भी हुआ। ये कार्य करने का जिम्मा जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया गया। शुरुआती दौर में वित्त विभाग का परामर्श लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर पत्रिका का प्रकाशन विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर शुरू कराया गया। इस बारे में संचिका में झारखंड सरकार के तत्कालीन वित्त सचिव अमित खरे की टिप्पणी अवलोकनीय है। 3 माह बाद पत्रिका प्रकाशन के लिए निविदा प्रकाशित की गई। उस निविदा में ये शर्त रखी गई कि पूर्व से इसका मुद्रण करने वाले मुद्रक को भुगतान की जो दर निर्धारित है, यदि निविदा में उससे कम न्यूनतम दर आती है तो दोनों का अंतर मुद्रक से वसूल कर लिया जाए। संयोगवश निविदा में उसी मुद्रक की दर न्यूनतम आई जो पहले से इसका मुद्रण कर रखा था। इस न्यूनतम दर और जिस दर से मुद्रक को पहले भुगतान किया जा रहा था दोनों के अंतर के हिसाब से उस मुद्रक से पैसा वसूल लिया गया। इसमें कहीं भी राज्य के खजाने का एक पैसा भी नुकसान नहीं हुआ। मंत्री का तीसरा आरोप आउटबाउंडिंग कॉल के बारे में है। आउटबाउंडिंग कॉल के लिए एजेंसी का निर्धारण निविदा के आधार पर हुआ और ये निविदा विभाग ने नहीं बल्कि निदेशालय ने किया। जिस एजेंसी का चयन निदेशालय द्वारा हुआ वो काम करने लगा। इसके चयन में मेरा कोई सरकार नहीं था। इस कार्य की अवधि पूर्ण हो गई तो मेरे पास अवधि विस्तार करने के लिए निदेशालय से आग्रह आया तो मैंने कुछ दिनों के लिए उसे अवधि विस्तार देने का निर्देश दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नजदीकियों ने ये मामला जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भेजा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जांचकर्ता ने कहा कि आवेदन में जो भी कागजात दिए गए हैं वे सभी फोटोकॉपी हैं। इसका ओरिजिनल से मिलान करने के लिए PE दर्ज कर जांच जरूरी प्रतीत होता है। इस मामले में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने भी अलग से भी जांच की है। आदरणीय राय जी को पूछिए कि उनकी जो मित्र है मधु की बहन है सुजाता शंकर, सुजाता शंकर के पति हैं सुनील शंकर, उनको बिना सक्षम प्राधिकार के MO क्यों बना दिया और रिटायरमेंट के बाद उनको MO बनाकर गोविंदपुर का MO के रूप में क्यों पदस्थापित कर दिया, उनसे जरा पूछिए कि आहार पत्रिका जो है वो बिना जो है 235 को शिथिल किए बिना 245 में बिना जाए हुए बिना मंत्री परिषद का स्वीकृति लिए हुए उन्होंने अपने आदमी को कैसे ठेका टेंडर दे दिया, उनसे ये पूछिए कि जो है उन्होंने 104 में जो है वो किस तरीके से अपने आदमी को बाबा कंप्यूटर को किस तरीके से उन्होंने काम दे दिया, उनसे पूछिए कि नमक और चीनी जो है वो कैसे गोदाम सब में पड़ा है सड़ रहा है उसकी क्या मतलब है। वो जुल्म वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर।
मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।